यो हम इस वक्त भीमा कोरे गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अभी 3-4 किलोमीटर लंबी दूरी बाकी रह गया है। उसके पहले ही यहां पर देखिए कैसे लंबी कतारें लागी हुई है। ये जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये भीमा कोरे गांव से वापस लौट रही है और इस तरफ की जो लाइनें खड़ी हुई है ये भीमा कोरे गांव की तरफ जा रहे हैं और इतनी लंबी लाइन है। आ रहा हूँ, ये जो है गवर्नमेंट यहाँ के सरकारी बसें हैं सब, ये जो बहुत लंबी लाइन है जहाँ तक आप देखेंगे सब है। तो ये इतना ही नहीं, यहाँ पर हम आपको और ले चल रहे हैं आगे। यहाँ पर देखिए पूरा एकदम ये 6 लेन है, पूरी गाड़ी यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से जाम है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं नज़र नहीं आ रहा है आपको इस तरफ पूरा एकदम चारों तरफ। आप देखिए यहाँ पर आज भीमा कोरे गाँव शौर्य दिवस को यहाँ पर लोगों द्वारा मनाया जाता है और यहाँ पर ये पूरे देश में ये इस समय आज जय भीम जय भीम। और हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत लंबी भीड़ है, ये चारों तरफ आपको भीड़ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त हम आपको ले चल रहे हैं भीमा कोरे गांव से, लेकिन यहाँ भीड़ भी नज़र आ रही है। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं यहाँ पर शौर्य दिवस पर अभिवादन करने के लिए। और यहाँ पर बताया जाता है बाबा साहब प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आते हैं। ये एक लड़ाई लड़ी गई 1818 को, जो यहाँ पर जिसका 205 वर्ष आज पूरा हो रहा है, उसके प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को यहाँ पर अभिवादन करने के लिए यहाँ पर कई लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष आते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जय भीम जय भीम, देखिए जय भीम यहाँ बोल रहे बालक, जय भीम जय भीम यहाँ पर। और हम आपको ले चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत धूल मिट्टी है, थोड़ा और आगे अब हम चलते हैं। ये आपको कैमरा हम अपना जूम करके दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए इस वक्त अभी हम गांव नहीं पहुंच पाए हैं, बीच रास्ते में हम आधे घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। इतनी लंबी भीड़ है कि अब क्या बताएं। और आगे अभी कितना टाइम जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पर और हम ले चल रहे हैं और आगे, अरे यार ब्रेक नहीं है क्या? और यहाँ पर इतनी लंबी ट्रैफिक लगी हुई है, ये देखिए भीम सैनिक क्या है। और आगे यहाँ पर दोनों तरफ जाम लगे हुए हैं। ये यहाँ एक नहीं 6 लेन ये गाड़ी सड़कें हैं जो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। क्या हाँ बस कर लिया। यहाँ पर बिना खाए पिए यहाँ पर कंडक्टर है और ये बस ड्राइवर है, इसी बस से हम लोग आ रहे थे, लेकिन लगता है हम लोग आगे नहीं निकल पाएंगे बस के सहारे, इसलिए हम लोग पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाड़ी नंबर है MH 7750। और यहाँ पर देखिए ड्राइवर भी हैं, ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ड्राइवर हम लोग की सेवा दे रहे थे, लेकिन आगे हम लोग को लगता है इनसे सेवा नहीं मिलेगा। हम चल रहे हैं आगे पैदल धीरे धीरे, अगर बस मिलेगी कहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। और हम ये देखिए यहाँ पर लोग ये काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। और ये इतनी लंबी भीड़ हैं कि हम क्या बोलें। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये जिधर देखो उधर नज़र आ रहा है सिर्फ नीला झंडा और पंचशील के झंडे नज़र आ रहे हैं और सभी गाड़ियों बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए चल रहे हैं। और यहाँ पर शौर्य दिवस में उस जगह जहाँ लड़ाई लड़ी गई थी 1818 में, उस जगह पर स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ को अभिवादन करने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब कहाँ से आए हैं सर आप?
पूना से आ गया। अच्छा पूना से ही, आप तो नज़दीकी से हैं, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, 1800 किलोमीटर दूर से आए हैं, यूपी से, यूपी से आ गए। अच्छा चलिए, अच्छा जय भीम आपको। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग इधर ही से क्या? पुणे से आए, पुणे से, पुणे से, पुणे से आए हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोग भी पुणे से? हाँ। अच्छा चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ है। हम लोग ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जितनी दूर आप नज़र आएंगे, हम तो कम से कम 500 मीटर आ भी चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब बसें की लाइन लगी हुई है यहाँ सब भीमा कोरेगांव जाने के लिए, और जितने भी बसें हैं यहाँ पर सब जाम में फंस गई हैं, और जितनी गाड़ियाँ आ गए हैं कोई अब वहाँ से वापस जाने में हम लोग आधा पौना घंटा यहाँ फंसे रहे। अब हम लोग पैदल ही निकल रहे हैं, वहाँ जो स्तंभ बनाया गया है उस स्तंभ को अभिवादन करने के लिए एक होर्डिंग लगा हुआ है, बहुत अच्छा सुंदर। संभाजी महाराज का फोटो ले लो, नहीं संभाजी महाराज का फोटो ले लो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाजू में संभाजी महाराज, बहुत अच्छा फोटो है। बाबा साहब मुस्कुराते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, यह संभाजी महाराज का भी फोटो है। और यहाँ देखिए 106 वर्ष सौर दिवस यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर बच्चे हैं जो ट्रैफिक पर, देखिए टोटल आपका ट्रैफिक है, यहाँ इतना जाम लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कितना, ये आपका ये कहीं भी आपको गाड़ी कोई भी आगे पीछे नहीं हो रही है, लाखों की लाखों की गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई है, और इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा हुई भी, क्योंकि हम लोग को अंदाज़ा है, हम लोग यहाँ पर तीसरी बार आ रहे हैं, और 2018 में आए थे, फिर 2019 में आए, फिर आज 2024 1 जनवरी को यहाँ पर आ रहा हूँ। और इस वक्त हम चल रहे हैं धीरे धीरे पैदल ही हम लोग, और ये यहाँ पर देखिए कितने दूर से सब अभी आप आए या वापस जा रहे हैं? अच्छा घर जा रहे हैं, दर्शन साथी तुम्हें दर्शन घेतलं का? हो बरं, ठीक आहे। कसं काय ॲटमॉस्फियर आहे, काय थोडंसं इधर से आए हैं? हम अकोले से आए, अकोला से, अकोला से। ये देखिए अकोला महाराष्ट्र से आए हुए हैं, यहाँ पर काफी संख्या में है। कुछ बोलना चाहती है बोलिए। अच्छा प्रोग्राम बद्दल थोडी माहिती द्या, कसं काय तिथे अरेंजमेंट झाली आपल्या लोकांना काय तिथे? पहिले तर माझा सर्वांना जय भीम। पेक्षा म्हणजे डेव्हलपमेंट चांगलं झालं, फक्त एवढंच आहे की आम्ही जे अकोल्याहून आलो त्यांनी तर आम्हाला गाड्या समजू नाही राहिल्या, तर आम्हाला माहिती द्या, बाकी सर्व चांगलं आहे। 7 वाजताची गाडी आहे औडा एक्सप्रेस, ते तुम्हाला अकोल्याला सांभाळ पुढे आहेत ना, तिथून बसून जायचं दोनों तरफ, एक तरफ की लेंथ जाम है, एक तरफ आने आलू की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में, और यहाँ पर